हेलो। तो हाँ, तो बच्चों पिछली बार अपने 9th क्लास की जो हीरोन्स फॉर्मूलों की बात करी थी, फॉर्मूलों की बात कर ली थी, आज अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान से समझना। जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी बुक का, ये 12.1 का है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से पहले समझ लो आप। हिंदी इंग्लिश दोनों लिखेंगे, पहले ही अपन डिसाइड कर लिया था कि अपन दोनों लैंग्वेज में लेके चलेंगे। देखो, अच्छा आरबीएससी वाले की बात कर लेता हूँ। आरबीएससी के जो अभी नया कोर्स चल रहा है ना, उसके अंदर आपके जो ये चैप्टर है 11th चैप्टर, आई थिंक 11th चैप्टर है, 11th चैप्टर के अंदर हीरोन्स वाले क्वेश्चन है, तो आप इनसे उनसे मैच कर लेना। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है आपके पास, ठीक है, उसके ऊपर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल शेप का एक ट्राइंगल जो ऐसा है, समझ लो कि ऐसा बना हुआ वो एक, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, हिंदी में यातायात संकेत बोर्ड है। इसके ऊपर ये जो इसके ऊपर लिखा हुआ है, जैसे अपन देखते हैं गाड़ी वाड़ियाँ कहीं चलाते हैं तो आगे बोर्ड होता है ना जैसे कि इधर टर्न लीजिए इधर टर्न, वैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है वो स्कूल के बारे में लिखा हुआ है कि स्कूल के आगे स्कूल है। ठीक है भाई, हिंदी में बोले तो आगे स्कूल है, इसके ऊपर लिखा हुआ है जैसे, ताकि सबको पता रहे कि आगे स्कूल है जो गाड़ियाँ लेके चाहे उस तरीके से। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है, इस इट मीन्स ये हुआ कि तीनों साइड बराबर होगी, ये हमें पहले पहली क्लास में डिसाइड कर लिया था। और अब ये भी गिवन है कि हर साइड ए है, चलो ठीक है, इसकी हर साइड को ए दे दो, ए नाम दे दो, ठीक है, ए ए ए। अब और फिर कह रहा है कि और इसका पैरामीटर, पैरामीटर यानी कि परिमाप, वो इसका दे रखा है 180। अब आपसे वो यूं पूछ रहा है कि जो ये सिग्नल बोर्ड है, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, यातायात संकेत बोर्ड है, इससे आप इसका एरिया निकालो। ठीक है, एरिया हमसे वो पूछ रहा है, तो देखो और हीरोन्स का हीरोन्स फॉर्मूले का यूज़ करो। तो हमें पता है कि हीरोन्स फॉर्मूले का जब हम यूज़ करेंगे, ध्यान देना आप, जब हम हीरोन्स फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो सबसे पहली बात तो ये है कि हीरोन्स के लिए हमें क्या क्या चाहिए। एक तो एस चाहिए, एस को बोलते हैं सेमी पेरिमीटर, मतलब हिंदी में बोले तो अर्ध परिमाप, आधा परिमाप, आधा पेरीमीटर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर हमारे पास एस आ जाता है, एस अगर हमारे पास आ गया तो हम इसका सॉल्यूशन हीरोन्स वाले फॉर्मूले में निकाल के कर लेंगे, क्योंकि हीरोन्स के फॉर्मूले के लिए एस जरूरी होती है। तीनों साइड आपके पास ए ए ए हैं, एस अगर निकल गया तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम सबसे पहले एस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखो हमें पता है कि जो पैरामीटर ऑफ, अब देखो ये ट्राइंगल है, ठीक है, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल शेप का है ना, तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल की मैं बात करूं तो आपको पता है उसका पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स। इट मीन्स ये हुआ कि जो इसकी तीनों साइडें हैं वो ए ए ए है, यानी कि जो पैरामीटर आपका आया वो कितना आया, 3A। इसका मतलब पैरामीटर आ गया 3A, आपको चाहिए सेमी पैरामीटर एस। तो एक बात बताओ, इसको अपन ने शॉर्ट में समझ लिया कि आधा आधा पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, तो वो कितना हो जाएगा, 3A/2। भाई अगर पेरीमीटर 3A है तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 3A/2। ठीक, तो 3A/2 आपका सेमी पेरीमीटर आ गया, एस आ गया। अब कोई टेंशन नहीं है, हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करो और आंसर निकालो। हीरोन्स फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एरिया निकालने के लिए। ठीक है, तीनों साइड हमारे पास है ही, एस अभी भी निकाला था, 3A/2, ये रहा 3A/2 माइनस ए, ये फर्स्ट साइड, फर्स्ट साइड तीनों साइड ए ए, ये तो इसके अंदर वो तो सोचना ही नहीं है, तीनों ए भी ए हैं, बी भी ए हैं, सी भी ए हैं, ये भी ए ये भी ए। अब देखो 3A/2 अपनी जगह है, इसका आप ले लो एलसीएम, तो इस ब्रैकेट के अंदर ही अंदर एलसीएम लो, तो एलसीएम आया 2, तो 3A 2A, सेम टू सेम बस वही लिखते जाओ, 3A 2A, 2 एलसीएम, 3A 2A। ठीक है, अब एक बात बताओ कि अगर मैं बात करता हूँ, देखो ये 3A/2, यस 3A/2, 3A में से जब 2A चला गया तो ओनली फॉर ए बचा, नहीं बचा,
ओके अपॉन टू, इसी तरह इसमें भी ए अपॉन टू, इसमें भी ए अपॉन टू। ठीक है, अब एक बात बताओ कि हमने कहा था रूट कब बढ़ जाता है, जब दो दो के पेयर बन जाते हैं, दो दो के जोड़े अगर बन जाते हैं तो रूट के बाहर आ जाती है वैल्यू। जैसे देखो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, ये दोनों देखो, अब यहाँ थोड़ा ध्यान से समझना, ये ए अपॉन टू ए अपॉन टू दो जोड़े बने आपस में, एक ए अपॉन टू को बाहर ले लो, रूट हट गया उसका। इसी तरह इसकी मैं बात करूँ, देखो ये जो चीज़ है अंदर जो बची, इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि थ्री ए अपॉन टू तो ये है भाई, ये दोनों तो आ ही चुके, इन दोनों में से बाहर आ गए तो खत्म हो गए मान लो, अब ये बचा सिर्फ आपके पास, ये बचा है, इसको मैं ये लिख दूं, अगर ये तीन दोनों आपस में इंटू में, तो इसको मैं ये लिख दूं कि थ्री इंटू ए पॉइंट टू इंटू ए पॉइंट टू, भाई इसको लिख दूं थ्री ए पॉइंट टू ए पॉइंट टू। अब ये देखो नोटिस करो, ये भी एक जोड़ा बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा, तो यानी इन दोनों को मैं अगर ऐसा लिखूं तो एक ए पॉइंट टू इसमें से भी बाहर आता है, तो इट मीन्स ये हुआ कि मैं इसका भी एक ए पॉइंट टू बाहर निकालूं पूरे सॉल्यूशन का, उसका सॉल्यूशन ये हो गया। तो अंदर कौन बचा, सिर्फ और सिर्फ रूट के अंदर तो सिर्फ थ्री बचा। ये देखो कैसे कि अभी बता दिया पूरा खोल के, इसमें से ए पॉइंट टू ए पॉइंट टू में से एक ए पॉइंट टू बाहर आ गया, सिर्फ रूट थ्री अंदर बच गया, तो ये बन गया ए ए ए स्क्वेयर अपॉन फोर और रूट थ्री ऊपर है। ठीक है, ये लिख दिया या रूट थ्री, ये आपका इसका एरिया आ गया। अब हम ये सोच रहे हैं अगर एक ही वैल्यू आती तो एग्जैक्ट आंसर आ जाता, वो हम वापस चलो पीछे, इधर एक चीज़ और गिवन है हमें इस क्वेश्चन में, एक चीज़ और गिवन है कि इस जो ये ट्रायंगल की शेप का जो आपका ये सिग्नल बोर्ड है उसका पेरीमीटर। अब हमें हमें एक बात बताओ, पेरीमीटर हमने स्टार्टिंग स्टार्टिंग में निकाला था वो था 3 है, इसका मतलब हमें गिवन है कि पेरीमीटर 180 है और हमने निकाला 3 है, इसका मतलब जो क्वेश्चन की डिमांड है 3A ही 180 है भाई, पैरामीटर ही तो पैरामीटर है, पैरामीटर 3A और यहाँ दे रखा 180, इट मीन्स 3A ही 180 है, तो A कितना हो गया 180 अपॉन 3, तो A कितना आ गया 60, और तीनों साइड 60 60 की होगी क्योंकि तीनों साइड A हैं। इस वैल्यू को यहाँ पुट करा दो, जो है ना वैल्यू इसमें पुट करा दो, तो अपन चलो यहाँ कर लेते हैं, ऊपर रख लेते हैं यहाँ ए स्क्वायर। देखो ये हमारे पास, एक बार लिख देता हूँ आपको, ये है एक बात बताओ, ए कौन है 60, ए का स्क्वायर यानी कि 60 दो बार है, रूट थ्री अपॉन फोर, फोर से आप इसको काट दो 15 टाइम, इसे इंटू कर दो 15 सिक्स 90 और एक लग गया जीरो, तो 90 रूट थ्री और सेंटीमीटर आ गए, तो एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हो जाएगा। ठीक है, बड़ा आसान सा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक इसमें सबसे पहले करना क्या है कि आप इसमें पैरामीटर निकालो, क्यों, क्योंकि हमें सेमी पैरामीटर निकालना है, एस निकालना है, अगर एस निकालेंगे तो उसके लिए पहले पैरामीटर निकाल दो और उसका आधा कर दो, आधा कौन होता है सेमी पैरामीटर, यानी हिंदी में आधा अर्ध परिमाप। ठीक है, सिंपली समझ लो, और एस निकालने के बाद वैल्यू रख दो हीरोन्स के फॉर्मूले में। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है एक फ्लाईओवर है, ठीक है, हिंदी में फ्लाईओवर ही होता है, फ्लाईओवर है, आपने देखा उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, विज्ञापन दिए जाते हैं किसी भी चीज़ का, किसी कंपनी का इस तरीके से कोई विज्ञापन उसके ऊपर दिए हुए हैं। क्वेश्चन मैं एक बार लिख देता हूँ, तो वो एक ट्राइंगल की शेप का है, ऐसा मानो कि वो ऐसा है, कैसा भी हो सकता है लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो ट्राइंगल की शेप का है, और ट्राइंगल तीन साइडें देगा, तीनों साइडें दे रखी है 122 कोई सी मान लो, और सेकंड है 22, ये 120 मीटर है तीनों, ठीक है, तीनों साइड दे रखी है, और इसके बाद में वो यूँ कह रहा है कि ये जो आपका एडवर्टाइजमेंट देने के लिए जो हम ये बना रहे हैं फ्लाईओवर, वो इस तरीके का है, ट्रायंगल शेप का है, एक साइड इतनी, एक साइड इतनी, एक साइड इतनी है, और आपसे यूँ कह रहा है कि जो इस पे जो आपको सीधी सी बात है अपन एडवर्टाइजमेंट देते हैं या फिर कोई भी विज्ञापन देते हैं तो उसकी आपको रेंट पे करना पड़ता है, यानी कि चार्ज लगता है हमारे, तो उसने ईयरली रेंट बता रखा है, ईयरली रेंट बता रखा है यानी कि एक वर्ष का किराया बता रखा है 5,000 रुपये पर मीटर स्क्वायर का, एक मीटर स्क्वायर के वो 5,000 रुपये लेता है, और आपसे पूछ रहा है आपको 3 मंथ के लिए रखना है, 3 मंथ्स के लिए रखना है, 3 महीने के लिए रखना है, 3 महीने के लिए कितना चार्ज लगेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब अपन इसमें देखेंगे, जब ट्राइंगल की शेप में क्वेश्चन हो
तो आप समझ गए होंगे कि सीधी सी बात है, अगर ट्राइंगल शेप में क्वेश्चन है तो सबसे और हीरोन्स वाले फॉर्मूले से कर लेंगे, क्योंकि तीन साइड है हमारे पास, पहला तीनों साइड गिवन है, हीरोन्स लगा दो। तो सबसे पहले हमें निकालना होता है एस, पहली साइड, पहली साइड हम मान के चल रहे हैं 122, कोई सी मानो, सेकेंड हम मान के चल रहे हैं 22, थर्ड हम मान के चल रहे हैं 122, तीनों साइड आपके पास है। एस का फॉर्मूला होता है पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड अपॉन टू। पहली साइड 122, 22, 22 और 120, ऐड करो, देखो 4, ठीक है 6, 2 काट दिया तो 132, एस की वैल्यू आ गई हमारे पास 132, 132, ठीक है एस 132 आ गया। और सीधी सी बात, अब लगा दो हीरोन्स, बार बार फॉर्मूला क्या लिखना आप समझ गए होंगे, सीधी वैल्यू रख रहा हूँ, एस एस माइनस ए, एस माइनस, देखो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये निकाल दिया, ठीक है दिख रहा है ना, बता देना। अब इसकी मैं अगर बात करता हूं तो 132, 132 में से 122 चले जाएंगे तो क्या बचा 10, इसमें से 22 लगे तो क्या बचा 110, 110, इसमें से लग गया तो क्या बचा 12। अब यहां पर थोड़ा सा नोटिस करना है आपको कि जब ऐसी वैल्यू हो, 132 हो, 10 हो, 110 हो और 12 हो, अब हमें पेयर बनाने की सोचना है। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं लेकिन पेयर बनाने की इजी मेथड सीखना, देखो किसके जोड़े बनना इजी लगेगा, कि यहाँ पर हमारे पास 12 है, 12 ही रहने दो इसको एक मिनट के लिए। देखो कि 132 का अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो, वैसे देखो ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से भी ऐसा भी कर सकते हो, 2 से करते हो 6, फिर 2 से करते हो 3, फिर 3 से करते हो तो 11, यानी कि एक पेयर इसमें 11 आ रहा है, इसमें भी 11 आ रहा है, तो इट मीन्स ये हुआ कि एक पेयर 11 और एक 12, यानी कि एक जोड़ा 12 का है और एक जोड़ा 11 का है। तो 132 को मैं लिखूंगा 12 इंटू 11, क्योंकि 12 मेरे पास है, मैं इसको वैसा रखना चाहता हूँ। 10 को 10 रहने दो, क्यों, क्योंकि 110 का होता है 11 इंटू 10, और 12 का 12 रख लो, ये का ये, देखो इसका हो गया ये, इसका ये, 10 का 10 और 132 निकाल लिया अपन ने ये। अब देखो इसमें हेल्प क्या रही, ज़्यादा न तोड़ने से ये हेल्प रही कि 12 और 12 इनका एक पेयर बन गया, चलो ऊपर कर देते हैं इसको। इसमें यह हेल्प रही कि 12 और 12 एक 12 बार आ गया, 11 11 एक 11 बार आ गया, और 10 10 एक 10 बार आ गया, तो मतलब रूट फिनिश। अब देखो सिंपल, 12 11 अभी पता है 132 होता है, ठीक है 132 को जब 10 से करोगे तो कितना हो गया 1320। भाई अगर ये 132 है तो जीरो तो लगाना है आगे, ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर एरिया। अब थोड़ा सा सिंपली सोचना कि 1320 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आया, ठीक है, और हमें उसने एक शर्त दे रखी है कि वो 5000 रुपये ईयरली रेंट लेता है। तो एक बात बताओ, अगर वो 5000 रुपये, ठीक है 5000 रुपये लेता है 12 महीने के, 12 मंथ ईयरली मतलब 12 महीने के, तो इसको मैं थोड़ा सा लिख के बताता हूँ कि ईयरली रेंट है उसका, ईयरली रेंट का मतलब हुआ 12 मंथ, तो मैं इसको 12 मंथ लिख देता हूँ, रेंट ऑफ 12 मंथ वो है 5000, ठीक है, कितने का, एक मीटर स्क्वायर का। अब बताओ एक महीने का कितना होगा अपॉन 12, होगा कि नहीं होगा, भाई जब 12 महीने का 5000 है तो एक महीने का अपॉन 12 पर मीटर स्क्वायर का, हमारे पास तीन तो है महीने, इस एक महीने की जगह तीन महीने, तो अगर तीन महीने का निकालूंगा तो ये तो था एक महीने का, देखो ये एक महीने का है, इंटू तीन, ये हो गया तीन महीने का, ठीक है दिखने आता, मैं इधर लिख दूंगा, वापस लिख रहा हूँ कि ये तो है आपके एक महीने का, आपको निकल पूछा है तीन महीने का, थ्री मंथ का हो गया, और कितना ये एक मीटर स्क्वायर का था, हमारे पास कितना मीटर स्क्वायर है 1320, ये लो 1320, इससे ये कट गया चार बार, ठीक है चार से आप इसको काट लो, 4 3 12, 4 3 12 जीरो, मल्टीप्लाई कर दो 1 2 3 4, चार तो लगा दो जीरो, 5 को 3, अब देखो सिंपल, आपको इंटोग्राम टाइम वेस्ट नहीं करना, 0 0 पहले लगा दो, बचा 5 5 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 15 1 कैरी, और 5 3 15 और 1 16, ठीक है
16 लाख हो गए, 50,000 हो गए, 16,50,000 रुपये आपका खर्च आएगा। तो बड़े सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरीके से अपन कर लेंगे। तो और आप पढ़ते रहिए, जब तक पढ़ते रहो, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें बता देना, ठीक है।